गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंद गरीब लड़कियों के 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 9 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे किया जा रहा है। इसी संबंध में शहर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र प्रदान करने के लिए डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया गया, जिस संबंध में सोसाइटी द्वारा महंत स्वरूप बिहारी मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज हिंदू नेता नीलकंठ जज से मुलाकात कर उन्हें इस विवाह समागम में विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, महासचिव मक्खन सिंह, कैशियर सतीश मल्होत्रा ने बताया कि आने वाली 9 सितंबर दिन शनिवार प्रातः 11 बजे 11 जोड़ों की शादियां करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सोसाइटी 112 हैं से ज्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी नव विवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत संबंधी सारा सामान दिया जाएगा और विवाह की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएंगी। इसके अलावा बारातियों के लिए लाज व व्यंजनों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह से पहले 6 सितंबर को मेहंदी की रस्म, 7 सितंबर को जागो निकाली जाएगी, 8 सितंबर को गुग्गा पीर का मेला और 9 सितंबर को शादी समारोह होगा। इस मौके पर उप प्रधान सुशील मदान, उप चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी, सुरेंद्र कपूर, वरिंदर कपूर, नितिन भंडारी, मुकुल मध्यानी, प्राण मल्होत्रा, नवीन सेठ, दिलीप कुमार, संजीव खुशबू, चंद्रमोहन सोनू, हरमेल सिंह, राजन कुमार, कुणाल, वरिंदरजीत सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने सामूहिक ब्याह कराने हैं, जिदे काफ़ी जोड़िया के लोग गरीब परिवार के बच्चियों के ब्याह कराते हैं और मैं महसूस करना वा कि यह टीम बहुत ही नेक ईमानदार और शरीफ लोगों की टीम है, जिन्हें मन के समाज के प्रति जो भावना है कि गरीब बच्चियों के असी ब्याह कराइए वो बहुत वधिया दहेज भी ना देंगे और मैं लगभग हर बार शादियां दिता गया है और मैं जिन्ना देखिया इस टीम में टीम बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रही है। मैं ईश्वर की अरदास करूँगा कि इदा ही साढ़े परिवार का साढ़े बच्चिया का पालन पोषण करन और चंगी उन्होंने संस्कार बच्चिया अपने घर जाकर लैन और इस टीम में मैं एक बार फिर बधाई दिना मैं और महाराज की अरदास करूँगा कि टीम इदा ही धर्म और समाज की सेवा करेगी। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों समूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है और जरूरतमंद कन्या का शादी की जाती है, तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा है, जैसे कि नर सेवा, नारायण सेवा, तो ये सेवा करने नाल ईश्वर की सेवा है। जिस कारण वाले कार्य कर रहे हैं मेरे काम में काम का देने के लिए कर भी रहे हैं। 9 सितंबर में जुड़ा है जय माता दी, जय माँ बंगलामुखी। अज मेरे वीर गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी के सज्जना ने आके मैनू माण बख्शिया है। पहले उत्थे 12 वरी है बच्चों के विआह 12 साल हो गए मैं करवाते हैं, बहुत ही वधिया ढंग दे नाल जिहड़े जरूरतमंद बच्चिया ने उन्होंने विआह करते ने लगातार 12 सालों तो करते पे। 13वां साल ऐतकी मैं भी माण बख्शिया उन्होंने उत्थे पहुँचने का, मैं जरूर पहुँचागा। मेहंदी की रस्म 6 तरीक नूं है, उस दिन तो लगातार ही प्रोग्राम चले ने सारे सारे ही वीर सज्जन जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनते हैं पहुँचन जरूर, तो अपने वालों असी सारे रल मिल के उन्होंने बच्चियों वास्ते जरूरतमंद वास्ते सहयोग दईए भी आप दान दे विच ही कल्याण है, सारे वो तो दान दे के इन्होंने भावों का माण बधाईए तो असी सारे उत्थे जरूर पहुँचीए। बहुत ही भागा वाले ने जिहड़े एडे वधिया काम करते हैं। मैं श्री कृष्ण शर्मा अपने परिवार वालों से मां बगलामुखी धाम वालों आल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट वालों मैं अपने सारे साथियों नाल पहुँच के वध तो वध जो प्रभु कृपा हो जी मैं वध तो वध सहयोग देंगा। मां इन्हां नूं चढ़दी कला च रखे। मैं अपने वालों फिर एक बार कहना जिथों तक हो सके सारे पहुँचियो सहयोग दईओ
जय माता जी जय मां बरला मुखी बच्चियां नूं आशीर्वाद दे के ते प्रभु दा आशीर्वाद लियो जय मां। आज बड़ी खुशी हुई है कि गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों 13वां जिहड़ा बच्चों की शादियों का समारोह कर रहे हैं उसके विच शामिल होने लई निमंत्रण पत्र दिता। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इत्थे शामिल होवां अते बाबा गुग्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करा। मैं इन्हां दे कार्य वास्ते भगवान अगे अरदास करदा कि भगवान अंग संग रह के इन्हों का जो कार्य है उन्होंने सफल कर और लोगों को भी अपील करना कि जिवें पहले इन्होंने लोग सहायता देंदे रहने हूँ भी इन्होंने पूरे सहयोगी बन के इन्हों की तन मन धन सहायता कर। नमस्कार जी, मैं राजीव बदल पठानकोट तो अज बड़ा चंगा लगा जो कि गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा हुशियारपुर चौंक द्वारा जो कि हर साल गरीब लड़कियां दे ब्याह कराए जाते हैं और 13 साल हो गए ने जो कि एक गरीब लड़कियां दे ब्याह कराते हैं और मैं आज मीडिया दे माध्यम द्वारा ये चीज़ कहनी चाहुंदा आ। कहना बड़ा सौखा हुंदा, करना बड़ा सौखा हुंदा आ। जो साढ़े आदरणीय प्रधान जी ने और जो इन्हां दी सारी टीम है मैनू इन्ने साल हो गए देखदियां नूं कंधे नाल कंधा ला के उहो ही सारी टीम है सलाह साहब ने साढ़े सारे मादर समान ने और जो इस नमाणे नूं जो भी गरीब बच्चों के ब्याह के लिए लाओगे असीं जो पिछले साल कह के आए थे तो ये जिहड़ा दान हैगा आ कन्या दान तो वध के कोई दान नहीं हैगा तो असीं जो ये सारी मतलब कहने का जिदा कि वेलफेयर सोसाइटी आ इन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के चलते भी हाँ तो चलना अज सूमंत्र पत्र देने आए हैं प्रधान जी सरदार मत्थन सिंह अभी उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं कि बड़ा अच्छा कार्य करते हैं शहर के और हर धार्मिक फंक्शन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे है। अभी जलंधर शहर वासियों अपील करते हैं अड्डा हुशियारपुर फाटक के नजदीक गुग्गा पीर के पहुंच की कोशिश कर और बाबा जी का आशीर्वाद लैन। अज गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी जिहड़ा कि अड्डा हुशियारपुर चौक फाटक के नाल स्थित है अज सारे जो महानुभाव है सेवादार है इनविटेशन देन आए हैं माँ बगला मुखी धाम को मैं सहर्ष स्वीकार करदा और इन्होंने बिल्कुल बांह जोड़ के साडे सारे सेवादार उत्थे पुजणगे और नाल सेवा करन विचारा बगला मुखी माता जी का होर साचे दरबार। असीं अगे 12 सालां च 112 कुड़ियां दे विआह करा चुके हैं उहदे विच सारे भैन भरावां दे सहयोग नाल करीदा जे कहीए असीं करन जोगे कदे असीं नहीं करदे तुहाडे भैन भरावां दे सहयोग नाल हुंदा है। 6 तरीक नूं असीं मेहंदी दी रस्म रखी हुई है 7 दी जग होए 8 जी दा गुग्गा पीर है ते 9 तरीक दे विआह होए। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ सारी सोसाइटी जिहड़ी आ अज निमंत्रण पत्र देन आई है। समूहिक विआह हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है और 13वां विआह कर रहे हैं जिन्हां विच लड़की नूं जिहड़ा सम्मान भी दिता जांदा है और बहुत अच्छा उपराला है इन्हां दा प्रधान साहब का जो ये जरूरतमंद बच्चों का जो विआह करते हैं। मैं भैन मेरे राजेंद्र कौर थैड़ा जी इस समूहिक विवाह समारोह च जरूर शामिल होंगे बच्चों को आशीर्वाद। अज दे गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों जो सोसाइटी के प्रेजीडेंट आते पूरी जी कमेटी आजी सद्दा पत्र देन आए हैं। पहला तो मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने सानू इस योग समझिया कि सानू यह सद्दा पत्र देना है पर जो ये उपराला करते उन्होंने दसिया कि 13वां जिहड़े विआह जिहड़े समूहिक विआह आ जिहड़े समारोह इन्हां दा 13वां आ बहुत वड्डी एक शलाघाजोग कदम आ इन्हां दा कि एक बच्चियां दे गरीब बच्चियां दे विआह करने उन्हां नूं समान देना उन्हां दा घर बसाउणा
बहुत बड़ा उपराना है इस सोसायटी का। मैं परमात्मा अगे अरदास करती हाँ कि इस सोसायटी होर भी अगे जरा जे काम करते हैं नेक उपराले जोड़े अगे भी करते रहन तो असी इस दिन से जरूर पहुँचा। मेरे नाल मेरा वीर प्रेजिडेंट अमृतपाल टैलिंग बोर्ड के चेयरमैन असी जिमें सूँ संदा पत्र देना है तो असं उस दिन से पहुँच के बच्चों आशीर्वाद दें।